जब हम लोग छात्र थे उस समय पंडित सुखराम का केस आया था, और उस समय सीबीआई ने छापे मारे थे इनकम टैक्स ने, और उनके बिस्तर के नीचे गद्दों में सब जगह पैसा मिला था। पंडित सुखराम जी क्या बिल्कुल पहली बार वो पकड़े गए थे और उनके घरों में रजाइयां भी पैसे की थी। उस समय देश ने बेड था, गद्दे थे, वो नोटों से भरे हुए थे। उस समय देश ने दांतों तले उंगली दबा ली। अब लगता है कि यार पंडित जी तो बड़े ईमानदार थे, बिल्कुल कम ही पैसा मिला था उनके। बिल्कुल, और अभी ये पकड़े जा रहे हैं, अब धीरे धीरे सब पकड़े जाएंगे। ये माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है पूरा देश अच्छे ढंग से विकास करे, ऐसे भ्रष्टाचार से विकास ना करे, इनको जेलों में डालो। ये मुहिम बहुत अच्छी है ईडी का फैसला। ये जो कहते हैं राम नाम जपना और पराया माल अपना, तो वो नेताओं के यहाँ से, अफसरों के यहाँ से, इन सब के यहाँ से धड़ाधड़ निकल रहा जी, निकलेगा ये सब। तो जो गर... से सांप कैसे निकल रहे हैं? बस निकल रहे हैं, बस सब उनके पीछे लगे पड़े हैं, और जो गलत करेंगे उनके साथ तो ऐसे ही होंगे। बस मोदी जी बस ऐसे करते रहे। जो कह रहे हैं कि राजनीतिक वो है, साजिश है सारी, वो सब क्या है? अब ये सब साजिश नहीं है, ये सब मोदी जी का जो है वो अपना काम कर रहे हैं बस। आपके चैनल से माध्यम से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, गवर्नमेंट को सख्त कानून बनाना चाहिए, बहुत सख्त कानून बनाना चाहिए। ये ज़्यादा ही घोटाले हो रहे हैं, 50 करोड़ 100 करोड़, ये आम जनता को तो 500 का नोट नहीं कमा पाते एक दिन में, 1000 रुपये 500 रुपये नहीं कमा पाते। ये आपसे ये जानना चाह रहे हैं हम, यहाँ लोगों से ये बात करने आए हैं कि नोट वाले नेताजी आपने कभी सुने थे इससे पहले, जिनके घर से 50 करोड़ रुपए नकद मिल रहे हैं, 100 करोड़ मिल रहे हैं? सर इस बारे में तो कोई कुछ नहीं, सॉरी मैं इस बारे में तो कुछ भी नहीं जानती। पर अखबारों में नहीं पढ़ा, पेपर समाचार नहीं देखते आप? सर में कितना पैसा पकड़ा? सर हमारे घर में कुछ ऐसा हो रहा ना, कुछ मतलब के कुछ ऐसी हो गई है कि हम कुछ दुनिया की खबर नहीं। कोई बात नहीं, करनी है वो नहीं। मैं सर मैं ये बात करना चाहती हूँ, ये जो आजकल फ्रॉडी लड़कियाँ हैं जो लड़कों को परेशान कर रही है, उनका कोई हल नहीं है सर। ये किससे हम बात करें, किससे बात करें? हमने शादी करी है ना बेटे की, तो हमें लड़की ऐसी मिल गई है कि उन्होंने हमसे उसकी बीमारी की बात छुपाई है और झूठ बोलती है, और अब परेशान इतना कर रही है, हमारे पे केस डाल रही है। हम पूछते हैं किससे मदद मिलेगी और किससे बात कर सकते हैं हम? इसमें तो पुलिस से ही मदद मिल सकती है और कानून ही आपको बता सकता है। हमने कोर्ट केस लगा रखा है और कोर्ट में भी क्या सभी के लड़कियों की सुनवाई है? लड़कियों की क्यों सुनवाई है सर? लड़कों की कहाँ? जो लड़के परेशान हो रहे हैं उनकी सुनवाई कहाँ सर? जीत सच्चाई की होगी और कोर्ट अच्छा निर्णय देगा। उन्होंने हमारे पर 400 फांड में डाल रखी है सर, तो हमने हमने ऐसा है कि जब हमारी बेटियां ससुराल जाती हैं और उनको थोड़ा सा भी अगर वो दुखती है, माँ बाप तुरंत फोन करके बोलते हैं एथे आजा, उथे रहने की लोड़ नहीं है। हम अपनी लड़कियों को ही तो वो करते हैं। आप अपनी लड़की की शादी करने जाते हो तो लड़के वालों से कहते हो हमारी लड़की खाना नहीं बनाएगी, हमारी लड़की बर्तन नहीं साफ करेगी, हमारी लड़की कपड़े नहीं धोएगी, इसके लिए सारे इंतजाम करते हो तो हम अपनी बेटे की शादी करेंगे। बेटे की शादी करते तो बोलते हैं लड़की घरेलू होनी चाहिए, घर का सारा काम कर ले और बूढ़े बूढ़े माँ बाप को संभाल ले, छोटे भाई बहनों के ध्यान रख ले। तो दोहरा मापदंड तो हमारे अंदर है। बेटे की शादी करते हैं सानू इन्ने पैसे दे दो जी, बेटे की शादी करते जी आप आदर्श विवाह कर लो। तो ये हमने हमारा समाज जो करती है सर, हमारा समाज उसके लिए जिम्मेदार है ना? अपना समाज जिम्मेदार है कि नहीं है इसके लिए? सर बिल्कुल है, मैं मानती हूँ। जो जो नहीं कर रहे हैं फिर वो क्यों पिस रहे हैं? सासों ने बहुओं का ऐसा कल्याण किया हुआ है कि लोग कहने को मजबूर हो गए कि महिला ही महिला के दुश्मन है। सर, नहीं, लड़का जलाने नहीं जाता है, सास उसमें भूमिका अदा करती है। आपको लगता है कि नहीं? नहीं सर बिल्कुल नहीं है सर, नहीं। सासें एकदम पूरी देवी होती है? हाँ जी सर बिल्कुल नहीं। सारी सासें? अरे आपको पता नहीं है, हमने बहुत सारे केस देखे हैं। कई औरतों को तो ये पसंद नहीं है कि लड़का बहू के साथ क्यों रहता है, हमारे पल्लू में रहना चाहिए। अरे आप तो महिलाओं वाले सीरियल देखते हो, सीरियलों में नहीं देखते हो कैसा होता है वैसा हर जगह? नहीं 2:30 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक तो औरतें सीरियल ही देखते हैं। आप नहीं देखती हो लेकिन ये भी सच्चाई है। हम फिर वापस विषय पर आते हैं, इन्होंने अपनी बात बताई लेकिन दुनिया में देखिए हर जगह हर आदमी के अपने अपने दुख हैं, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई किसी तरह से दुखी।